हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अल्पना बरुआ। वेलकम टू माय चैनल। फिर से आई हूँ आप लोगों के बीच में एक नया पौधे की क्या टिप्स लेकर। मैं लगभग हर वीडियो में बताकर आई हूँ आप लोगों को, कोई भी पौधा बगीचा में ऐड करने पहले चार बातों का ध्यान रखना अवश्य जरूरी है। नंबर वन, पौधे की ग्रोइंग पीरियड, यानी कौन सा पौधा कौन से सीजन में ग्रो करते हैं जान लेना चाहिए। जो सीजन में पौधे ग्रो करते हैं वही सीजन में ही पौधे को बगीचा में ऐड करना चाहिए। नंबर टू, पौधे को लगाने के लिए गमले का मिट्टी कैसे तैयार करना चाहिए कौन सा पौधा के लिए। नंबर थ्री, लाइट लोकेशन, यानी पौधे को कौन से जगह में रखना चाहिए, सीधे सीधे धूप में या छांव में, पौधे इंडोर है या आउटडोर प्लांट वो जान लेना चाहिए। नंबर फोर, पौधे को पानी देने के बारे में कौन से पौधे को कितना मात्रा में पानी देना चाहिए। ये चार बातों का ध्यान में रखकर कोई भी पौधा बगीचा में ऐड करने से पौधे की मनचाहा ग्रोथ मिलेगी। आज मैं लाई हूँ ये समर सीजन में बहुत ही अच्छी तरह ग्रो करने वाला, प्रत्येक सुंदरता से बगीचे की शोभा बढ़ाने वाली बहुत ही खूबसूरत प्रत्येक पौधे ये पौधे लाई हूँ। इसका नाम क्रोटन प्लांट्स है। क्रोटन प्लांट्स की बहुत सारा वैरायटी है। आज मैं ये दो वैरायटी लाई हूँ। इसका पत्ते देखिए कितना खूबसूरत है। इसका पत्ते देखिए दो कलर में है, येलो और ग्रीन। ये वैरायटी का पत्ते तो पूरी येलो येलो हो गया, कितना सुंदर लग रहा है। दरअसल क्रोटन इंडोर आउटडोर दोनों जगह में बहुत ही अच्छी तरह ग्रो करने वाला पौधे हैं, लेकिन इसका पत्ते का वेरिएशन अलग अलग जगहों में अलग अलग आते हैं। पत्ते का वेरिएशन पूरी छांव में रखने से इसके पत्ते हरा हो जाते हैं, लेकिन इस पौधे को फिर आप लोग सेमी सेट एरिया यानी ब्राइट एरिया में रखने से पत्ते का वेरिएशन अलग आएगी। मेरा ये येलो पत्ते वाला क्रोटन सीधे सीधे धूप में था, दिन भर में चार पाँच घंटा सीधे सीधे धूप में था, इसीलिए इसका पत्ते पूरी येलो हो गई, थोड़ा सा ही ग्रीन है, लेकिन ये पौधे ग्रीन और येलो दोनों कलर में है, क्योंकि ये पौधे सुबह का सीधे सीधे धूप एक दो घंटे मिल रहा था, इसीलिए इसका पत्ते ग्रीन और येलो दोनों ही बराबर मात्रा में है। इसीलिए क्रोटन का लाइट लोकेशन यानी जैसे जगह में रखी वहीं में एक ही पौधे अलग अलग कलर होते हैं। छांव में रखने से ग्रीन होते हैं, ब्राइट एरिया में रखने से पत्ते का दो कलर निखर आते हैं, और सीधे सीधे धूप में रखने से एक ही कलर ज़्यादा निखर आते हैं। इसीलिए आप लोग जान लीजिए कौन से जगह में रखिए, पत्ते के कलर आप लोग कैसे चाहे वैसे ही मिलेगी। सिर्फ लाइट लोकेशन के बारे में थोड़ा सा समझ आना चाहिए। ये पौधे कोई भी जगहों में रखने से अच्छे से ग्रो करते हैं, सिर्फ इसका पत्ते की कलर अलग अलग हो जाते हैं। मेरा ये दोनों पौधे अलग अलग जगहों में रखा था, येलो वाला सीधे सीधे धूप में रखा था और वेरिगेटेड पत्ते वाला सुबह की एक दो घंटे सीधे सीधे धूप में रखा था, इसीलिए दोनों पौधे की पत्ते का कलर अलग अलग है। अभी आती हूँ ये पौधे को लगाने के लिए गमले का मिट्टी कैसे तैयार करना है। आप लोग ये पौधे को सीधे सीधे धूप में रखने चाहे तो आप लोग अलग सा मिट्टी तैयार करना चाहिए, और आप लोग छांव में ब्राइट एरिया में रखने चाहे तो थोड़ा अलग सा मिट्टी तैयार करना चाहिए गमले का। आप लोग सीधे सीधे ये पौधे को रखना चाहे तो गमले का मिट्टी 25% नॉर्मल मिट्टी, 25% बालू, 25% कोकोपीट, 25% खाद, कोई भी खाद ले सकते हैं आप लोग, सूखे गोबर का खाद या ब्राह्मी कंपोस्ट। दरअसल सीधे सीधे धूप में रखने से गमले का मिट्टी ज़्यादा जल्दी सूख जाते हैं, इसीलिए कोकोपीट डालने बोली हूँ, क्योंकि कोकोपीट पानी ऑब्जर्व करके रखते हैं, इसीलिए बार बार पानी देना आवश्यकता नहीं होते हैं। लेकिन आप लोग छांव में ब्राइट एरिया में रखने से कोकोपीट देना आवश्यकता नहीं होते हैं, इसलिए ब्राइट एरिया में रखने से आप लोग गमले का मिट्टी 40% नॉर्मल मिट्टी, 30% बालू और 30% खाद ले लीजिए, तभी पौधे बहुत ही अच्छी तरह ग्रो करेगी।
वेल्डन भरभूरिया मूर्ति तैयार कर लेने पौधे की जर बहुत ही अच्छी तरह निषेतक फैलेगी और हम लोग जो खाद दिया है गमले में वही खाद बहुत ही अच्छी तरह ले सकेगी, तभी पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। ये है क्रोटन पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए गमले का मिट्टी कैसे तैयार करना है, इसके बारे में लाइट लोकेशन और गमले का मिट्टी कैसे तैयार करना है ये पौधे के लिए हो गया। अभी आती हूँ ये पौधे की गमले का मिट्टी में कैसे पानी डालना चाहिए, कितना परिमाण में। हर पौधे के लिए सेम ही मात्रा में पानी डालना नहीं चाहिए, हर पौधे को एक ही मात्रा में पानी रिक्वायरमेंट नहीं होते हैं, किसी को कम किसी को बहुत ही कम, और किसी पौधे की गमले का मिट्टी मॉइस्ट रखना जरूरत है, इसीलिए कोई भी पौधे में पानी डालने से पहले ये बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये पौधे की गमले का ऊपर वाला मिट्टी जब 2 इंच सूखे तभी ये पौधे की गमले के मिट्टी में पानी डालना चाहिए। ये पौधे के गमले को मिट्टी को मॉइस्ट रखना जरूरत नहीं होते हैं, गमले का मिट्टी ऊपर वाला लेयर 2 इंच सूखाने से पानी डालने से भी हो जाएगी, तभी इसका ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। आप लोग जब पानी डालिए गमले का मिट्टी में भरपूर मात्रा में डालिए, गमले का नीचे वाला मिट्टी भीग जाए, ड्रेनेज होल से पानी निकल जाए, ऐसे डालिए तभी पौधे का ग्रोथ अच्छी होगी, क्योंकि गमले का नीचे वाला मिट्टी भीग जाने से पौधे का रोज नीचे तक फैलेगी और हम लोग जो गमले में खाद दिया हूँ वो खाद पौधे का रोज बहुत ही अच्छी तरह ले सकेगी। ये पौधे की ही नहीं, कोई भी गमले में लगाने वाला पौधे के गमले का मिट्टी में जब भी पानी डालिए भरपूर मात्रा में डालिए, गमले का नीचे वाला मिट्टी भीग जाए, गमले का ड्रेनेज होल से पानी निकल जाए, ऐसे डालिए तभी पौधे की मनसाहा ग्रोथ मिलेगी। ये है ये पौधे के गमले का मिट्टी में कैसे पानी डालना चाहिए इसके बारे में। अभी आती हूँ ये पौधे के ग्रोथ अच्छा होने के लिए और पत्ते के ब्राइटनेस आने के लिए बीच बीच में देने वाला खाद के बारे में। ये पौधे के ग्रोथ अच्छा होने के लिए और पत्ते के ब्राइटनेस आने के लिए आप लोग हर 15 दिन के अंडर नाइट्रोजन वाला लिक्विड खाद देना आवश्यकता है। नाइट्रोजन वाला लिक्विड खाद देने से पौधे का ग्रोथ अच्छी होगी और साथ साथ पत्ते का ब्राइटनेस भी निखर आएगी। कोई भी पत्ते का पौधों के लिए पत्ते का सुंदरता के लिए नाइट्रोजन वाला लिक्विड खाद देना आवश्यकता है, इसीलिए आप लोग हर 15 दिन के अंडर के गोबर का खाद या ब्राह्मी कंपोस्ट से लिक्विड खाद बनाकर गमले का मिट्टी में दीजिए, क्योंकि सूखे गोबर और ब्राह्मी कंपोस्ट में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होते हैं जो पौधे की ग्रोथ अच्छा होने के लिए और पत्ते की ब्राइटनेस आने के लिए काफ़ी सहायता करते हैं। आप लोगों के पास ये नाइट्रोजन वाला लिक्विड खाद देने का टाइम नहीं होगी तो या दिक्कत होगी तो आप लोग हर महीने एक बार एक मुट्ठी करके ब्राह्मी कंपोस्ट या सूखे गोबर का खाद गमले का मिट्टी के ऊपर दीजिए, तभी भी पौधा का ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। और आप लोग ये बारिश का सीजन में जितना हो सके आप लोग हर पौधों को बारिश का पानी ही गमले का मिट्टी में और पौधों में स्प्रे कीजिए, क्योंकि बारिश का पानी में ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन होते हैं जो पौधे के ग्रोथ के लिए अच्छा होते हैं। ये है ऑर्गेनिक लिक्विड खाद, लेकिन आप लोग केमिकल लिक्विड खाद देने चाहे तो NPK 19-19-19 आधा चम्मच 1 लीटर पानी में मिलाकर पौधे की गमलों में और पट्टों में स्प्रे कर सकते हैं। ये केमिकल खाद आप लोग सिर्फ इवनिंग आवर्स में दीजिए या बारिश होने वाला दिनों में दीजिए, कि ये केमिकल खाद गर्मी में देने से पौधे को नुकसान पहुँचेगी, पौधों के पत्ते जल जाएगी। अभी आती हूँ ये पौधे को कैसे भूसी कर सकते हैं ताकि पौधे के लुक्स ज़्यादा अच्छी होगी। ये पौधे को भूसी होने के लिए पिंचिंग या प्रूनिंग करने का आवश्यकता है। मैं ये पौधे को भूसी करने के लिए प्रूनिंग नहीं किया हूँ, मैं ये पौधे को सूता से पिंचिंग किया हूँ। ये देखिए पिंचिंग करने के बाद इसकी नोट एरिया से 3 ब्रांच निकला है, ऐसे ये पौधे को भूसी कर सकते हैं। सूता से ये पौधे को आप लोग ऐसे पिंचिंग कीजिए।
ये पौधे को सूता से ऐसे पिंचिंग करने से प्रूनिंग करने का आवश्यकता नहीं होते हैं। ऐसे पिंचिंग करने से इसका ये नोट एरिया से छोटे छोटे न्यू ब्रांच निकलेगी, तभी पौधा बहुत ही अच्छे से बूसी हो जाएगी। मैं ये दूसरे वाली पौधा को भी सूता से पिंचिंग किया हूँ, ये देखिए इतनी अच्छी से चार ब्रांच निकले। ऐसे आप लोग क्रोटन के पौधे को बूसी होने के लिए सूता से पिंचिंग कर सकते हैं। सूता से पिंचिंग करने से हार्ड प्रूनिंग करने का आवश्यकता नहीं होते हैं। अभी आती हूँ ये पौधे से नया पौधा कैसे ले सकते हैं। ये पौधे से नया पौधा इसका कटिंग के थ्रू ले सकते हैं। ये बारिश का सीजन इसका ग्रोइंग पीरियड है, इसीलिए इसका कटिंग इजीली ग्रो हो जाते हैं। ऐसे वाला कटिंग आप लोग पानी का बोतल में पानी डालकर कटिंग को रखने से इजीली इसका रोट्स निकल जाते हैं। या आप लोग ऐसे वाला कटिंग को मिट्टी में लगाने से इजीली कटिंग ग्रो हो जाते हैं। ये बारिश का सीजन में इसका पत्ते से भी पौधा ग्रो कर सकते हैं। पत्ते को आप लोग पानी में रख दीजिए, 20-25 दिन के बाद पत्ते से रोट्स निकल आते हैं और मिट्टी में ये पत्ते लगा देने से छोटा सा न्यू पौधे उग जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये है क्रोटन प्लेन की केयर टिप्स। ये सारा करके देखिए आपका क्रोटन प्लेन बहुत ही अच्छे से ग्रो होगी, बूसी होगी, पत्ते का ब्राइटनेस निखर आएगी। वीडियो को इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो न्यू व्यूअर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जब भी मेरा चैनल में नए नए पौधे के केयर टिप्स लेकर आऊँगी तब आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए।